एंड तिवाड़ी साहब पूछ रहे हैं, व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ट्रांसजेंडर्स टू गेट देयर ड्यू एक्सेप्टेंस, देयर राइट्स आर नॉट एक्सेप्टेड, द ट्रांसजेंडर समाज जो आपने बात की, ट्रांसजेंडर सोसाइटी। और वो आगे सवाल पूछ रहे हैं पवन जी, इज दिस बिकॉज ऑफ सोसाइटी एट लार्ज और इज इट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स एट प्ले व्हिच prevent the transgender society from being accepted as part of overall society, of mainstream society? देखिए, जब हम ट्रांसजेंडर सोसाइटी की बात करते हैं तो हमें याद करना होगा कि जो नालसा जजमेंट आया, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसने पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लीगली आइडेंटिफाई किया, या जिसने थर्ड जेंडर की बात की, यह आया 2015 में, यानी कि केवल 6 वर्ष पहले, अभी उससे 7 वर्ष भी नहीं हुए, इट केम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड उसके पहले इन आर एंटायर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां भी हम बात करें, हम सिर्फ दो जेंडर की बात करते थे, दैट इज बायोलॉजिकल मेल्स एंड बायोलॉजिकल फीमेल्स। इट इज ओनली 6 years बैक दैट द लॉ रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, एंड इट्स ओनली 2 years बैक, दैट इज इन 2019 नवंबर, दैट ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट जो है वो आया, और इसने पहली बार मेल और फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर पर्संस को डिफाइन किया और उन्हें आइडेंटिफाई किया, उन्हें एक लीगल रिकॉग्निशन दिया। इसके पहले जितने भी कानून बने, और हमारे देश में शायद विश्व के सबसे ज्यादा कानून है, अगर हम IPCs की बात करें, वेरियस लॉज, वेरियस एक्ट्स अगर हम बात करें, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लॉज आर प्रेजेंट इन इंडियन सिस्टम, बट ये हमेशा बाइनरी सिस्टम की बात करते थे, मेल फीमेल की बात करते थे, इन्होंने कभी इंटरसेक्स या ट्रांसजेंडर व्यक्ति को लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया, ये इनकी बात नहीं की। इट्स ओनली अ फिनोमिनन व्हिच इज 6 years और 2 years ओल्ड, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू सी एज इट। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ओमिशन व्हिच हैज हैपेंड सिंस सेंचुरीज ऑलमोस्ट, यू नो, इनकी लॉज जो है वो ब्रिटिश के जमाने से इंडिया में है, तो ये ओमिशन अगर हम कहें कि सरकार रिस्पॉन्सिबल है, देन वी आर इन अ पीपल्स डेमोक्रेसी, एंड जो सरकार है वो भी हमारी सोसाइटी ही इलेक्ट करती है, हम ही लोग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आई वुड से दैट इट्स अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द लॉ मेकर्स, ऑफ द गवर्नमेंट, कि एक समाज के बहुत बड़े हिस्से को हमने इनविजिबलाइज कर दिया, हमने सोचा ही नहीं कि इनको वोट देने का भी अधिकार होगा, कि इन्हें शादी करने का अधिकार होगा, इन्हें अबॉर्शन का अधिकार होगा, इन्हें प्रॉपर्टी राइट्स के अधिकार दिए जाएंगे, इनके ऊपर कभी चर्चा ही नहीं की। एनीवेज आई एम लिटिल ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, सो आई विल से कि बेटर लेट देन नेवर, राइट नाउ वी हैव अ लॉ, राइट नाउ वी हैव लीगल रिकॉग्निशन, लेट्स वर्क ऑन इट। एंड देखिए, हमें वक्त के साथ में चेंज होना बहुत जरूरी है। कई साल पहले तक हम शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति हैं, दलित पर्संस के साथ बहुत ज्यादा ऑपरेशन होता था, हमने एज अ समाज अपने आप को चेंज किया, हमने काफी हद तक एक्सेप्टेंस लाया। पहले हम पर्संस विद डिसेबिलिटी को जो है इक्वल नहीं मानते थे, आज हमने उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक करके जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उन्हें हमें अपने साथ जोड़ना होगा और अपने साथ लाना होगा, एंड आई थिंक इसकी पहल हो चुकी है, सो लेट्स वर्क टुगेदर टू टेक इट फर्दर।